भव्य आत्माओं, श्रीपाल और मैना सुंदरी के उस अंतर यात्रा के सहयात्री हम बन रहे हैं कि जहां से उनके जीवन में वो मंगल हो जाता है कि जिसकी हर व्यक्ति के मन में तमन्ना होती है, और उस कथा में उसके सारे सीक्रेट छिपे हुए हैं। नौपद की आराधना संपन्न हुई, 700 कुष्ठ रोगियों को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई, और कुष्ठ रोगी जैसे मुक्त हो गए कुष्ठ रोग से, अपने अपने गांव, अपने अपने वतन पहुंच गए। रही केवल मैना सुंदरी और श्रीपाल, उसी नगरी में मामा जी रहते हैं, मां भी उसी नगरी में, लेकिन स्वस्थ होने के बाद भी मैना सुंदरी श्रीपाल को लेकर अपने नानेरे नहीं जाती है। पराए घर पर बिना बुलाए कभी भी चले जाना, अपनों के घर कभी बिना बुलाए नहीं जाना है। आपका सूत्र उल्टा है, आपका सूत्र उल्टा है कि अपनों के यहां बुलाने की क्या जरूरत है। किसका फोन बज रहा है देख लो, जो खुले है वो संभाल लो। हम ऐसा सोचते हैं कि अपनों घर बिना बुलाए पहुंच जाना, लेकिन मैना सुंदरी का कथानक आपके सामने चित्र रखता है कि अपने घर पर कभी भी, अपनों के घर पर, रिश्तेदार के घर पर, सगे संबंध के घर पर बिना बुलाए कभी नहीं जाना। बिना बुलाए जाते हैं उनको भी डिस्टर्ब होता है, अपना भी सम्मान होता नहीं है। महाभारत का एक प्रसंग है, बहुत बड़ा प्रसंग है। महाभारत में तीन मामा तो प्रसिद्ध है, एक शकुनी मामा फेमस है, और दो मामा है, एक श्री कृष्ण है और एक शल्य है। कौन सा तो चला गया, शल्य मामा है। श्री कृष्ण भी पांडवों के मामा है और शल्य भी पांडवों का मामा है। कुंती के नाते श्री कृष्ण है और माद्री के रिश्ते से शल्य है। जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा है, जो गलती हम करते हैं वही गलती पांडवों ने करी। मद्र देश से शल्य चला अपने भांजों को मदद करने के लिए, और भांजों ने रस्ते में उसकी परवाह ही नहीं करी। मामा है कहां कटे जाएगा अठे चाहिएगा, जैसे आप सोचते हो कि महाराज है कटे जाएगा अठे चाहिएगा। यस, पांडवों ने गफलत में रह गए। खोज खबर रस्ते की व्यवस्था सार संभाल करी नहीं। उधर शकुनी बैठा हुआ था और शकुनी की नजर हमेशा दुश्मन की कमजोरियों पर जो नजर रखता है वो दुश्मनी में जीत जाता है। दोस्त की कमजोरी देखनी नहीं और दुश्मन की कमजोरी देखे बिना रहना नहीं, ये व्यवहार का सूत्र है। तो शकुनी को पता चला कि शल्य आ रहा है लेकिन पांडवों को उसकी कदर नहीं है, और शल्य ने अपने गुप्तचर यंत्रणा को सक्रिय किया
और कहा कि जाओ शल्य आ रहा है, रस्ते में ऐसी व्यवस्था करना है कि जैसे मैं ही रस्ते में चल रहा हूं, जैसी मेरी व्यवस्था करते हो वैसी उनकी व्यवस्था करना है। उनको आश्चर्य लगा कि बोले वो तो पांडवों के मिलने के लिए जा रहा है, पांडवों की मदद करने के लिए जा रहा है, उसकी सार संभाल हमको करने की क्या जरूरत है। दुर्योधन ने और एक बात कही कि पूरी व्यवस्था करना लेकिन बोलना मत कि हमको दुर्योधन ने भेजा है, बोलना ही मत कि दुर्योधन ने भेजा है। इतना खुश कर देना, इतना खुश कर देना, बेहोश कर देना, शराब पिलाओ, ये कर, नाच गाना जो करना है करो, लेकिन शल्य ने एक सेंटेंस रस्ते में बोलना चाहिए, एक वाक्य उसने बोलना चाहिए, इतनी सेवा करनी, इतनी सेवा करनी, इतनी सार संभाल करनी कि शल्य के मुंह से एक वाक्य निकलना चाहिए कि तुमने जितनी मेरे रस्ते में सेवा करी है मैं युद्ध भूमि पर तुम्हें जीत दिलाऊंगा, मैं भी पूरा ध्यान रखूंगा तुम्हारा। और एक दिन शल्य सोचता है कि पांडव इतनी मेरी व्यवस्था करते हैं, मैं तो सोचता था कि श्री कृष्ण के प्रति उनका प्यार है, मेरे प्रति उनका प्यार है ही नहीं, लेकिन इतनी मेरी सार संभाल, इतनी मेहमानगिरी। और एक दिन मस्ती में आकर के बोल गया कि जैसे तुमने मुझे रस्ते में ध्यान दिया है, संभाला है, इससे बढ़कर के मैं तुम्हें युद्ध भूमि पर संभालूंगा। और ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट दुर्योधन के पास पहुंच गया। जैसे दुर्योधन के पास मैसेज पहुंचा, दुर्योधन अपने पूरे परिषद को लेकर के शल्य राजा को मिलने के लिए आया है रस्ते में। जब वो मिलने के लिए आया तो शल्य को भी आश्चर्य हुआ, ये कैसे आया है हम मिलने के लिए, इसको पता है मैं पांडवों का मामा हूं, पांडवों को मदद करने के लिए जा रहा हूं, ये आया कैसे यहां पर। लेकिन पहले वेलकम करते थे, पहले सवाल नहीं पूछते थे, पहले क्या करते थे, वेलकम, वेलकम किया, स्वागत किया, बैठाया और फिर पूछा कैसे आए। बोले आपको धन्यवाद देने आया हूं। बोले मुझे धन्यवाद, किस बात के लिए धन्यवाद। बोले राजा क्षत्रिय पुरुष एक बार जो जुबान से बोलता है उसको जान की बाजी चुका करके भी निभाता है। बोले यस। तो बोले मैं धन्यवाद देने आया हूं, मैंने तो सपने में नहीं सोचा था कि आप मुझे मदद करोगे, लेकिन आपने तो कमाल कर दी, आपने युद्ध में मुझे मदद करने का वचन दे दिया, बिना मांगे वचन दे दिया, इसलिए धन्यवाद देने आया हूं। बोले मैंने कब वचन दिया तुझे। बोले तीन चार दिन पहले आप बोले नहीं क्या कि जैसे रस्ते में तुमने मेरी सेवा करी है, सार संभाल करी है, मैं युद्ध भूमि पर तुम्हारी सार संभाल करूंगा। बोले हाँ बोला हूं। बोले सारी व्यवस्था मेरी है, ये सारी व्यवस्था किसकी है, मेरी है। अब शल्य कहाँ जाएगा, जाना चाहता था, जाना चाहता था पांडवों के पास, पहुंच गया कहां पर, कौरवों के पास। क्यों पहुंचा, कि अपनों की अपनों ने परवाह नहीं करी तो अपने दुश्मन के पाले में चले गए। पहली बार जिस समय जनता पार्टी का राज्य आया था उस समय धर्मांतर पाबंदी का बिल लोकसभा संसद में आया था,
और उस समय मणिपुर, इम्फाल, अरुणाचल जिस प्रांत को लेकर के बिल लाया गया था, उस समय के कन्वर्टेड क्रिश्चियन उन्होंने एक सवाल फेंका था जिसका उत्तर किसी हिंदू धर्मगुरु के पास नहीं था। आज हम प्रतिष्ठित बन गए, श्रीमंत बन गए, संपन्न बन गए, तब आपको दिखता है कि हम हिंदू थे न क्रिश्चियन बन गए। जब हम हिंदू के रूप में सारे कष्ट सहन कर रहे थे उस समय आप कहाँ थे? जिस समय हम परेशानी में थे उस समय आप कहाँ थे? और किसी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। किस समय संभालना चाहिए? किसी के सुख में संभालना चाहिए कि किसी के दुख में संभालना चाहिए? ध्यान में रख जो, फक्त ध्यान में रख जो। मैना सुंदरी को पता है कि मामा जी इसी नगरी में है और माँ भी मामा के पास गई हुई है। श्रीपाल स्वस्थ हो चुका है, फिर भी मैना सुंदरी न पिता के पास जाती है, न मामा के पास जाती है, न माँ के पास जाती है। वो उसी साधर्मी के पास रहती है कि जिसने दुख के पलों में उसका साथ दिया। और श्रीपाल और मैना सुंदरी के पुण्य प्रभाव से उस परिवार की दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति होने लगी। एक एक प्रसंग आगे आता जाएगा। एक दिन श्रीपाल और मैना सुंदरी संतों का प्रवचन सुनने के लिए गई। मां भी प्रवचन में आई हुई थी। प्रवचन पूरा हुआ चलने लगे और मां की नजर अपनी बेटी पर गई और बेटी जिस पुरुष के साथ खड़ी थी उस सुंदर पुरुष को देख करके मां की आंखों से अंगारे बरसने लग गए। तूने मेरे दूत को बदनाम किया है, तूने मेरे पूरे इज्जत को पंचनामा कर दिया है। मैंने जो संस्कार तुझे दिए थे वो संस्कार सारे तुम मिट्टी में मिला दिए हैं, क्योंकि मैंने कुष्ठ रोगी के साथ से तेरी शादी हुई थी और तू किसके साथ है? सुंदर पुरुष के साथ है। अपना सोच जब ओपन नहीं होता है तब बिना सोचे हम किसी पर भी आरोप लगा देते हैं, बिना सोचे। अपने दिमाग में गणित बना हुआ है। मैना सुंदरी को उसने पूछा नहीं जा करके कि ये कौन है, अपने दिमाग से गणित लगा लिया ये तो कोई पर पुरुष के साथ चली है। देखो उस मां की तरफ, मां को बेटी सुखी नहीं चाहिए, मां को बेटी चरित्र संपन्न चाहिए, सील संपन्न चाहिए। वो सील छोड़ करके सुखी होती तो मां दुखी हो जाती है, वो धर्म छोड़ करके सुखी होती है तो मां दुखी होती है। कि मां को पता है धर्म छोड़ करके जो सुख मिलेगा वो टिकने वाला नहीं है, धर्म के साथ जो दुख मिलेगा वो भी टिकने वाला नहीं है, और धर्म छोड़ करके जो सुख मिलेगा वो भी टिकने वाला नहीं है। और मां को गुस्सा करते हुए देख करके मैना सुंदरी ने आगे बढ़ी। उसके ध्यान में आया
कि माँ के दिमाग में शायद कुछ उल्टा गणित चल रहा है। वो आगे बढ़ती है और माँ को वंदन करके कहती है, ये सासू माँ के जाए है, आप क्या बोलोगी? कई बोलो लाते हैं, बोलते हैं हमारे पास लोग आकर के, सुनना भारी जाता है लेकिन बोलते हैं, ये मारा हस्बैंड है। वाह भाई क्या बात है, यही बोलते हैं। और आप भी यही बोलते हैं, ये हमारी पत्नी है। वाह वाह क्या भाई, कोई पत्नी बोले, कोई वाइफ बोले, है ना? ये सासू माँ के जाए है, ये सासू माँ के जाए। और तब मैना सुंदरी ने बताया, तब मामा सुरपाल को खबर मिलती, तब मामा लेने के लिए आते। पूरे नगरी में धर्म की जय जयकार होती, नमस्कार महामंत्र की महिमा के गीत गाए जाते हैं, पूरा माहौल चेंज हो गया है। अब श्रीपाल कहां पर है? मामा के वहां पर। कौन से मामा के यहां पर? मामा ससुर के वहां पर। मामा के वहां पर नहीं, मैना सुंदरी के मामा है, भांजे जवाई बड़े मस्ती में रह रहे, खुश, अपना घूमना फिरना, नो टेंशन, पिछले सारी कसर भर के निकाल रहा है ना, पारनो कर रही है मस्ती से, सुंदर वीर नगरी में चर्चा है, और दोनों तरफ से चर्चा है ना। चर्चा का केवल एक आयाम नहीं था कि कुष्ठ रोगी भी सुंदर हो सकता है, और सुंदर सनत चक्रवर्ती भी कुष्ठ रोगी हो सकता है, दोनों ही संभावनाएं। जिस रूप के पीछे देवता पागल थे, ऐसा रूप का धनी भी कुष्ठ रोगी हो सकता है, और जिस कुष्ठ रोगी के पास कोई नहीं रह सकता, वो कुष्ठ रोगी भी सुंदर हो सकता है। वर्तमान को ही पूर्ण सत्य मान करके जो बैठ जाते हैं, पच्चुपन्न पारायणे, जो वर्तमान को ही सब कुछ मानते हैं, वे नरक में जाते हैं। और जो संभावनाओं को देखते हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल है, उस पर जिनकी नजर रहती है, वे कभी वर्तमान से दुखी भी नहीं होते और वर्तमान में बेहोश भी नहीं होते। और श्रीपाल नगरी में चल रहा है, मस्ती से चल रहा है, घोड़े पर सवार है, लोग देखते हैं। एक बार एक बच्चे ने पूछा अपनी माँ से, ये कौन जा रहा है? किसने पूछा? बच्ची ने पूछा, माँ से पूछा, श्रीपाल से नहीं पूछा। और मां ने कहा, ये राजा का भांजे जवाई है। कौन सा जवाई है? और ये शब्द किसके कानों पर गए? श्रीपाल के कानों पर गए। मैं कपल शिविर में लड़ने की कला सिखाता हूं, पति पत्नी को लड़ना कैसे वो सिखाता हूं। सिखाना चाहिए नहीं सिखाना चाहिए? मैं तो सिखाता हूं, बड़ी मस्ती से सिखाता हूं, कि मुझे पता है कि दो अधूरे आदमी